तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र मॉडल क्वेश्चन के बारे में। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखनी है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और पिछले कई सालों में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो वीडियो को पूरी आप देखिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि लेखक ने अस्त्रीकरण को एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, तो आपको ऑप्शन चार मिल जाएंगे। जो राइट आंसर होगा उसे आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेहरन, डार्फ और बी नंबर स्कीनर, सी नंबर है पारसंस और डी नंबर दुर्खीम। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पारसंस। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि ये समाजशास्त्र का मॉडल पेपर है, यानी कि मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समाज से रिलेटेड ही क्वेश्चन और धर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा जॉनसन, बी नंबर गांधी जी, सी नंबर मार्क्स और डी नंबर है पेरेटो। तो धर्म लोगों के लिए अफीम है ये कहा था, इन ऑप्शनों में से जो कहा था उनका नाम है मार्क्स, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, मार्क्स ने कहा था। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक अस्थिरीकरण का मुख्य आधार था, नंबर एक है धर्म, बी नंबर है वर्ग विभाजन, सी नंबर है जागीरें और डी नंबर है संपत्ति। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जागीरें, ओके। मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक अस्थिरीकरण का जो मुख्य आधार था वो जागीरें थी। अगला क्वेश्चन है कि बिलासी वर्ग के बारे में विचार व्यक्त करने वाले प्रमुख विद्वान हैं, बिलासी वर्ग के बारे में विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। ऑप्शन एक है रूसो, बी नंबर मार्क्स, सी नंबर है मार्टन और डी नंबर है वेलविन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर वेलविन, ठीक है, प्रमुख विद्वान वेलविन थे, ओके। अगला क्वेश्चन है कि सोरोकिन तथा वेवर ने अस्थिकरण के निम्नांकित में से किन आधारों का उल्लेख किया है, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं सोरोकिन तथा वेवर ने किसका अस्थिकरण अपने आधारों का उल्लेख किया है, किन आधारों का उल्लेख किया। तो ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं राजनीतिक, बी नंबर व्यावसायिक, सी नंबर आर्थिक और डी नंबर है ये सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन तथा वेवर ने इन सभी आधारों का उल्लेख किया है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में बंद अस्थिकरण का उदाहरण है, नंबर एक है सत्ता, बी नंबर जात, सी नंबर वर्ग और डी नंबर में से सभी। तो निम्न में से जो बंद अस्थिकरण का उदाहरण है वो है जाति, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अस्थिकरण के संघर्ष सिद्धांतों से निम्न में से किसका संबंध है, नंबर एक वेबर का, बी नंबर मार्क्स का, सी नंबर मैकाइवर का, डी नंबर है डेविस का। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थिकरण के संघर्ष सिद्धांत से निम्न में से जो संबंध है वो है मार्क्स का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से अस्थिकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है, ऑप्शन एक है प्रजात, बी नंबर है धर्म, सी नंबर लिंग भेद और डी नंबर है जन्म। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धर्म, ठीक है। निम्न में से जो अस्थिकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन है, कौन सा है, वो है धर्म, बी नंबर, ओके। अगला क्वेश्चन है कि समाज का पादरी सरदार एवं साधारण जन में विभाजन किस व्यवस्था में पाया जाता है, नंबर एक पूंजीवादी प्रथा, बी नंबर दास प्रथा, सी नंबर जागीर प्रथा और डी नंबर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर जागीर प्रथा, जागीर प्रथा में पाया जाता है सी नंबर। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगे आंसर बेशक उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक अस्थिकरण के आकार कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा आकार कौन से हैं, ऑप्शन एक है निष्क्रियता, बी नंबर असुरक्षा, सी नंबर निराशा को बढ़ावा और डी नंबर में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से सही, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अस्थिकरण के स्वरूप को परिलक्षित करती है, नंबर एक शक्ति व्यवस्था, बी नंबर है
नातेदारी व्यवस्था, सी नंबर है मूल व्यवस्था, और डी नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति व्यवस्था। ठीक है, निम्न में से सामाजिक अस्थिकरण के स्वरूप को शक्ति व्यवस्था परिलक्षित करती है। राइट आंसर ए नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था नहीं है? जाति व्यवस्था, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और अगला है सामुदायिक भावना, और अगला है शिक्षा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्नलिखित में से जो ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था नहीं वो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के मामले में गाँव के ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था बहुत ही कम है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर शिक्षा। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धर्म क्या है? भाई क्वेश्चन आ रहा है कि धर्म क्या है। ऑप्शन है कि समाज, बी नंबर संस्था, सी नंबर समुदाय, और डी नंबर है कर्मकांड। तो जो आपका समाज है वो एक संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धार्मिक संस्था नहीं है? कर्मकांड करना, मूर्ति, सी नंबर एकांत में ईश्वर का भजन करना, डी नंबर है यज्ञ करना। तो निम्न में से जो धार्मिक संस्थान नहीं है वो है मूर्ति। राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि मैकाइवर क्वेश्चन थोड़ा मिसटाइप हुआ, मैं आप लोगों को कैसे बोल देता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि ये आप थोड़ा हटा दीजिए। ठीक है, ओके, तो मैकाइवर ने जेल को क्या माना? नंबर एक है भीड़, बी नंबर समिति, सी नंबर संस्था, और डी नंबर है समुदाय। ओके, तो मैकाइवर ने जेल को जो माना है वो माना है समुदाय माना है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, समुदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से कौन समिति है? ऑप्शन है कि विवाह जुलूसा, बी नंबर एक स्कूल, सी नंबर एक स्थानीय कल्याणकारी समिति, और डी नंबर है विवाह। तो निम्न में से कौन समिति है वो है एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उसके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि मैं डेली शाम 7 बजे के बाद मेरी क्लासेस अपलोड हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप शाम को 7 बजे के बाद क्लासेस हमारी ज्वाइन करिए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कि समुदाय एक कैसा समूह है? नंबर एक मूर्त समूह, बी नंबर अमूर्त समूह, सी नंबर है दोनों, डी नंबर में से कोई नहीं। तो समुदाय कैसा समूह है वो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त समूह है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मूर्त समूह है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है? नंबर एक अधिकार, बी नंबर प्रतीक, सी नंबर सामाजिक विरासत, और डी नंबर है ऐच्छिक सदस्यता। तो निम्न में से जो तत्व संस्था में नहीं आता है वो नहीं आता है ऐच्छिक सदस्यता, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से संस्था कौन है या निम्न में से संस्था क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो संस्था है वो क्या है? तो नंबर एक राज, बी नंबर गृहस्थ आश्रम, और सी नंबर धर्मशाला, डी नंबर है परिवार। तो निम्न में से जो संस्था वो है परिवार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक संस्था नहीं है? ऑप्शन है कि विनिमय की रीतियां, बी नंबर संसद की कार्यवाही, सी नंबर सरकार, और डी नंबर है राष्ट्रपति का पद। तो निम्नलिखित में से जो राजनीतिक संस्था नहीं है वो है राष्ट्रपति का पद, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, फिलहाल मैंने और भी क्वेश्चन बना लिए हैं, मैंने वेबसाइट पे डाल दिए हैं, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा है sandeepinfo.com, उस वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे रिडायरेक्ट, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन
हिंदी और समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वेबसाइट पे आप एक बार विजिट ज़रूर करिए और वहाँ से भी आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करिए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप डेली रेडी रहा करिए। जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो बेशक वो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट को जो भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट बताएं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी मॉडल पेपर, मॉडल क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी है आप पूछ लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और हाँ, दोस्तों तक अपने शेयर करिए वीडियो। आपके अराउंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।